ये है नर्सरी की सारी सप्लाई का वीडियो, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ये नर्सरी में माल आता कहाँ से है, इतने सारे पौधे आते कहाँ से हैं, ये लोग कटिंग से नहीं बल्कि कलकत्ता से, कहाँ से आया भैया ये? आंध्रा से और कलकत्ता से भी, कलकत्ता से भी ये माल आया है, बता रहे हर तरह की वेरायटी है, देखिए भरा पड़ा है, अब तो ये गाड़ी लगभग खाली होने वाली है। पूना से भी आया, पूना से, लेकिन ये वाली गाड़ी कहाँ से आई है? कलकत्ता से आई है, कलकत्ता से ये गाड़ी आई है। और देखिए इसमें तरह तरह के पौधे हैं, दिखाओ भैया क्या क्या लेके आए हो आप, दिखाओ पौधे दिखाओ। ये पैकिंग में देखिए, ये पैकिंग में है यहाँ से सब, इसका इस बात का मतलब ये है कि ये गाड़ी बाहर से आई है और बड़े सुरक्षित तरीके से इन पौधों को लेके आया। ये क्रोटोन्स वगैरह हैं, अनार है और कई तरह के फूल हैं। और मैं अंदर भी दिखा देता हूँ गाड़ी में किस तरह से ये गाड़ी पैक हुई हुई है, देखिए बड़े तरीके से यहाँ पर, ये देखिए बड़े तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सब पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। और इतना लंबा रूट, ये करनाल का इस टाइम वीडियो है और कलकत्ता से गाड़ी यहाँ पहुंची है, देखिए किस तरह से तरीके से ये गाड़ी पैक करके और फिर यहाँ तक पहुंचाई गई है। एक एक पौधा किस तरह से, ये देखिए ये पैक हुए पड़े हैं ताकि इनके लीव्स, इनके पत्ते जो है वो किसी भी तरह से नुकसान ना हो और एज इट इज खिले हुए पौधे हमें मिल सकें। ये देखिए ये नर्सरी की ये सच्चाई है कि ये सप्लाई बाहर से आती है और ना कि इन्हें यहाँ पर कटिंग वगैरह से बनाया जाता है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये पौधे बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनकी प्रोडक्शन और इनकी ग्रोथ सब बाहर से, कलकत्ता में मेन इसका हब है, जो ये पौधे वहाँ से हर जगह हिंदुस्तान में सप्लाई होते हैं। देखिए ये मैं एक उठा के दिखा देता हूँ, ये इस तरह से ये पैक हुआ हुआ है और सभी पौधे इसी तरह से बड़े सुरक्षित तरीके से ये लेके आए हैं यहाँ पर, न्यूज़पेपर में इनको पैक किया हुआ है। ये देखिए ये इस तरह से इसको अनलोड किया जा रहा है गाड़ी को, ये लेबर लगी हुई है, कुछ इनमें बच्चे भी हैं जो मजा ले रहे हैं इस टाइम अनलोडिंग का। इस गाड़ी से ही डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई आगे शहरों में भी की जा रही है, देखिए ये रेडी से जो हमारे गलियों में पहुंच जाते हैं पौधे, ये इसी तरह से यहीं से सप्लाई आती है। ये इन्होंने, भैया ये आपने कहाँ सेल करने है? गलियों में जाते हो सेल करने के लिए? गांव में जाते हैं, कोठियों में, गलियों में, कोठियों में, सब जगह आप जाओगे यहाँ से लेके नर्सरी से? हाँ गाँव में भी जाते हैं, जहाँ से ऑर्डर मिलता है ऑर्डर में भी जाते हैं। ये देखिए ये क्रिसमस ट्री है, किस तरह से सुरक्षित तरीके से इसको बांध के रखा हुआ है और ये यहाँ पर अनलोड किया गाड़ी, तो उसमें से ये निकाला है। इसको खोल के दिखाओ भैया कैसा निकलेगा ये, ये लेडी जल्दी खोलना, ये क्रिसमस ट्री बड़े सुरक्षित तरीके से जो लेके आए हैं, देखिए खोल दो भैया कैसा खिला हुआ निकलेगा ये, ये भी दिखाते हैं, ये चुन्नी उतार करने से दे दे। देखिए ये किस तरह से सुरक्षित आया है, बिल्कुल एक भी टहनी इसकी खराब नहीं हुई है और ये इनका तरीका है, ये तैयार है बिल्कुल। ये पाम्स है, रिपोनिया पाम्स, ये भी इस तरह से बांध के और फिर लाए गए हैं। खोलो बेटा इसको भी दिखाओ खोल के, बिल्कुल साफ सुरक्षित। ये गोल्डन यूनिवर्स, ये भी अभी अभी पैकिंग से निकाले हैं, ये पैकिंग इस तरह से पैक हुए थे, ये भी। ये स्टार लाइट फाइकस है, ये भी देखिए ये भी अभी अनलोड किया गया है। ये एब्जोरा, अच्छे पिंक फूल इसके ऊपर हैं, फ्लावर्स देखिए। ये है क्रोटोन्स, ये इस तरह से ड्रम्स को काट के और इनकी नीचे की जो है बेस वो बनाया गया, नीचे का पॉट्स इस तरह के है ताकि ये टूटे ना, ये देखिए फ्लेक्सिबल है, ये देखिए ये क्रोटोन अभी फ्रेश और खूब वैरायटी, मल्टी कलर है ये क्रोटोन, खूब वैरायटी क्रोटोन की आपको मिलेगी। इस टाइम ये सीजन की बिल्कुल
शुरुआत है इसमें आपको अच्छे अच्छे बुशी प्लांट्स मिलेंगे, खूब टहनियों वाले खूब हरे भरे प्लांट्स इस टाइम पे आपको मिल सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अब मार्च अप्रैल की। ये क्रोटॉन स्पेशल ग्रोथ है इसकी, तो ये अलग से बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसकी ग्रोथ, ये बोन मुरैया गर्मी में हरियाली देगा बिल्कुल घर में, और कीमत भी इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 1100-1100 रुपए के करीब ये पौधा मिलता है। सुंदर बहुत लगेगा जब ये भर जाएगा। ये भी एक नई चीज़ है, अडेनियम इसका नाम है, देखिए, और स्लिप लग के आई है कलकत्ता से बिल्कुल। ये 6 ब्रांचेज इसके ऊपर लिखा हुआ है अडेनियम, 6 का मतलब है कि 6 तरह के फूल इस एक ही पौधे पर आएंगे। इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, 5 ब्रांच यानी 5 तरह के फूल इसके ऊपर एक ही पौधे के ऊपर आएंगे 5 कलर्स में। और इसके ऊपर स्लिप लगी है 7 ब्रांचेस की, यानी 7 कलर्स के फूल इस पौधे पे आएंगे। इसको खोल के दिखाओ बेटे, खोलो इसको जल्दी से। अरे वाह, ऊपर ही रखा हुआ था बिल्कुल। चलिए ठीक है। अच्छा, ये 7 तरह के फूल इस पे, और ये है 6 तरह का है ब्रांचेस, 6 फ्लावर्स इस तरह के इस पे आएंगे। ये देखिए, ये शुरू हो गया इनको खोलना, यहाँ पर लेबर लगी हुई है अपना काम कर रही है। क्रोटोन्स हैं डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट स्टाइल्स, मल्टी कलर और ग्रीन और गोल्डन स्पॉटेड। ये है क्रिसमस ट्री, अभी ये भी खोलना है और फिर ये तैयार मिलेगा हमें। भैया कहाँ से, मैं खुद मालिक से ही पूछता हूँ, इस नर्सरी के जो मालिक है, भैया कहाँ से लाए हो, कहाँ से आता है ये? ये माल कोलकाता से आता है जी। कोलकाता से आता है? हाँ जी। ठीक है, गाड़ी भर के कोलकाता से सीधा यहाँ, जहाँ आपको चाहिए वहीं सप्लाई मिल जाएगी। हाँ क्यों जी, आप बताइए। हाँ जी, कलकत्ते से आता है। कलकत्ते से आता है, तो इसमें तो खूब खर्चा पड़ता होगा। बहुत ज्यादा खर्चा, ज्यादा 80,000 भाड़ा है। 80,000 रुपए भाड़ा है, तो ठीक है। फिर तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई बहुत महंगे दे रहे हो, महंगे दे रहे हो। महंगा तो नहीं है फिर इसका मतलब, अगर इतना, क्योंकि रास्ते में कुछ नुकसान भी हो जाता होगा। नुकसान है, भपका खा के गाड़ी, माल भी पीला पड़ गया है। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट मैंने आपको नर्सरी का हाल दिखाया है कि किस तरह से इन लोगों की मेहनत जो है वो लगती है इस सारे काम में। ये भैया आपकी ये नर्सरी है, इसका एड्रेस बताओ, कहाँ पे हो आप इस टाइम? इस टाइम आप कृपाल आश्रम के पास दुर्गा कॉलोनी में। किस जगह पे, कौन से शहर में? करनाल में। करनाल में, हाँ जी, 6 सेक्टर के पीछे। तो ये नर्सरी का एक व्यू देखिए, और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस चैनल पर मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, जिसमें स्टडीज़ भी हो सकती हैं, किचन गार्डन्स और कई तरह की बातें आपके लिए जो यूज़फुल रहें, घर की मेंटेनेंस को लेकर, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ इसमें आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया नीचे रेड कलर का, और बेल आइकॉन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी आपको हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो आप तक पहुँचे। बिल्कुल ज़मीन को छूता हुआ ये फल है जो तैयार होने वाला है। अभी फूल आए हैं जस्ट, आम बिल्कुल ज़मीन से टच होकर ही मिलेंगे हमें। ये आम्रपाली है इसी नर्सरी में। ये है स्नो वाइट, लगभग 60 रुपीज़ में अवेलेबल होगा आपको, बहुत अच्छा लगता है ये भी। पीछे तो लगा लगा।
निकाल लियो ना तुम्हारे आगे जो है।